हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ड्रीम इलेवन की वन ऑफ दी मोस्ट टीम बता रहा हूँ। तो आइए बताता हूँ। जैसे आपके जानते हैं कि दिनेश कार्तिक तो सबसे लास्ट में बैटिंग करने आते हैं, तो प्रवीर सिंह को भी आप लेना ठीक नहीं है। जैसे आप जितेश शर्मा को पिक कर सकते हो, क्योंकि फॉर्म भी इतनी अच्छी भी नहीं है, पर आप बैटिंग करने जल्दी आते हैं। तो विराट कोहली की फॉर्म काफ़ी अच्छी है और पंजाब के साथ इनका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, तो आप विराट कोहली को ले सकते हैं। शिखर धवन को भी चोट लगी है, अगर जी खेलेंगे तो आप शिखर धवन को पक्का लीजिए। और दूसरा प्लेयर फॉर्म प्लेसिस, जब इनकी बैटिंग भी काफ़ी अच्छी है और पिछले इस पिच पे पिछली तीन इनिंग में तीनों में 50 मार रखी है, तो आप नीचे तो कोई इतना खास प्लेयर है नहीं, तो आप फॉर्म प्लेसिस को ले लीजिए। और ऑलराउंडर के सेक्शन में हम आपको बताते हैं कि आप किसको ले सकते हैं। वैसे राजपक्षा आशीष नरूखान इतने खास नहीं, तो अब ऑलराउंडर में ग्लेन मैक्सवेल पिछले दो मैचों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है और इस पिच पे भी इनका काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर लैन लिविंगस्टन खेलेंगे, अभी तो इनका खेलना का पता नहीं, अगर खेलेंगे तो आप इसको ले सकते हैं। वैसे मैं जाऊँगा साइम करण के साथ, और हसनगा को आप पिक कर सकते हैं सिकंदर राजा की जगह। तो सिकंदर राजा पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच थे, पर इतना खास प्रदर्शन इस मैच में कम ही होगा क्योंकि उनको बॉलिंग नहीं मिलेगी, तो आप बिंदु हजारंगा के साथ जा सकते हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो लिविंगस्टन की जगह, अगर खेलते तो लिविंगस्टन को लेना, नहीं तो सिकंदर राजा को आप ले सकते हो। एम शॉट भी अच्छे प्लेयर हैं, पर इनको आज बॉलिंग मिलने के चांस काफ़ी कम है, और बैटिंग आ सकती है, पर बैटिंग अगर आपको लगता है सही तो आप ले सकते हो। तो बॉलिंग में रवाड़ा का प्रदर्शन इस टीम के साथ काफ़ी अच्छा, पिछले जो भी मैच हुए हैं उसमें रवाड़ा ने 5 मैचों में 11 विकेट ले रखी है। और हर्षल पटेल को आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, पर इतना खास नहीं होगा। तो मोहम्मद सिराज आजकल बहुत अच्छी फॉर्म में, पावर प्ले में ही बॉलिंग करने आते हैं और विकेट निकाल के ही देते हैं, तो उसको ले सकते हो। तो उससे चहर इनको जाम, बाकी अब नीचे इतना खास प्लेयर है नहीं, तो आप ऊपर से इनको ले सकते हैं। पार्नल अच्छा प्लेयर है, नहीं तो आप हर्षदीप सिंह को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अर्शदीप के साथ जाऊंगा, और मोहम्मद सिराज अर्शदीप होगी। तो ये नहीं है मेरी टीम में, कप्तान में तो मैं देखूँ तो डुप्लेसी, जहाँ इसमें डुप्लेसी को कप्तान बनाऊँगा और धवन को 22 कप्तान, गुड प्लेस अच्छी फॉर्म में भी हैं और धवन भी। तो मेरी प्लेइंग 11 इस प्रकार की होगी, तो आपको दिखा देते हैं हमारी प्लेइंग 11। तो कुछ जो एक्सपर्ट की प्लेइंग 11 बनी है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एक्सपर्ट ने प्लेइंग 11 बना रखी है तो किस प्रकार से। तो मेरी दूसरी प्लेइंग 11 ये वाली है, जो मैंने दो प्लेइंग 11 बना रखी है अपनी, तो उसमें कप्तान होगा, इस कप्तान देख लीजिए आप। जैसे ये है कि तो शर्मा जी है मेरा, शिखर धवन कप्तान, फैब्रिसी कप्तान, और शिखर जी पहले वाली है, और दूसरी मेरी टीम है दिखा देते हैं आपको जी, इसमें मैंने मैक्सवेल को कप्तान बना रखा है, उसके अंदर राजा को 22 कप्तान। तो इसमें मैंने बॉलिंग को ऐसे चेंज किया। तब आपको कुछ एक्सपर्ट की टीमें बता देता हूँ कि जो कुछ एक्सपर्ट वालों ने टीमें बना रखी हैं वो इस प्रकार से है, दिखा देता हूँ अभी। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एक्सपर्ट की टीमें, ये देखिए, चार पर 9 लाख बंदों ने पिक कर रखा है। तो टीम को देखिए कौन कौन से प्लेयर हैं इस टीम में, ये देखिए, ये है एक्सपर्टों की टीमें। पहली टीम दूसरे की दिखा देता हूँ, इनके स्किल स्कोर काफ़ी अच्छे हैं और आप चाहते तो इनमें से भी कोई टीम पिक कर सकते हो। बाकी ये बहुत ही अच्छे एक्सपर्टों द्वारा बनाई गई हैं जो भी टीमें हैं। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना भाई। तो आप देख सकते हो ये टीमें सभी, तो चलते हैं दोस्तों, बाय बाय। ये है कुछ एक्सपर्टों की टीमें, देख लीजिए, ये आपको टीमें दिखा देते हैं। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी टीमें हैं, तो आप इनमें से भी कोई टीमें आप सेलेक्ट कर सकते हो, कप्तान 22 कप्तान। ओके दोस्तों, बाय।